हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करी लीफ से ऑयल। कड़ी पत्ता जो होता है, मीठी नीम है ये, इससे ऑयल बनाएंगे। और ये बनाना बहुत ही आसान है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने एक बाउल भर के, एक कटोरी भर के करी लीफ ले लिया है। और इसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी सुखा लेना है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए फैला देंगे तो इसकी जो पानी रहेगा वो सूख जाएगा। और हमें चाहिए कुछ गुड़हल की पत्तियाँ। ये देखिए, गुड़हल के फूल नहीं चाहिए, उसके पेड़ की कुछ पत्तियाँ चाहिए। ये मैंने कुछ ली है। और लिया है ये कड़वी नीम थोड़ी सी, ये लिया है। ये तो दोनों तो आपकी मर्जी हो तो डाल सकते हैं, वरना हम करी लीफ का ही ऑयल बना रहे हैं। बट मैं ये कड़वी नीम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होती है। तो अगर स्कैल्प में कोई खुजली या कोई, जैसे किसी किसी के फुंसी भी हो जाती है सिर में, तो उनमें ये फ़ायदा करेगा। और जो गुड़हल की पत्तियाँ हैं ये, इससे बाल काले होते हैं, बालों का झड़ना रुकता है और बाल बहुत सिल्की शाइनी होते हैं। इसलिए मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ इसमें भी। अब तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें इस कैसे बनाना है, सबसे पहले हम एक जार लेंगे। ये देखिए, इसमें सारी की सारी ये पत्तियाँ डाल देंगे। ये मैंने मीठी नीम की सारी पत्तियाँ इसमें डाल दी है। और जो गुड़हल के फूल की पत्तियाँ थी, गुड़हल के पेड़ की पत्तियाँ थी, वो भी इसमें डाल देंगे। और ये जो थोड़ी सी कड़वी नीम है, ये भी इसी में मैं डाल दूँगी सारा। अब हमें इसे पीसना है, बट हम इसमें पानी यूज़ नहीं करेंगे। पानी की बजाय हम इसमें, अगर हम इसे पीसेंगे और अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे। ये पीस नहीं रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालूंगी। ये देखिए, ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये मैं थोड़ा सा डालूंगी पहले, बस इतना डाल लेना है। अब ये पीसने में आसानी हो जाएगी, इसको मैं पीस लेती हूँ। ये मैंने इसे पीस लिया है, ये कुछ ऐसा दिखेगा दरदरा सा। अब इसे हम एक बर्तन में, जिसमें हमें इसे पकाना है, वो बर्तन लेंगे। तो मैं ये लोहे का बर्तन ले रही हूँ और इसमें ये सारा पेस्ट जो है इसमें निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, करी लीफ में विटामिन सी और विटामिन ई काफ़ी मात्रा में होता है, तो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप चाहें तो इसको डेली 4 से 5 पत्तियां खा सकते हैं। इससे भी बाल काले और लंबे होते हैं, और जिनको खून की कमी है तो वो भी दूर होती है करी लीफ खाने से। और ये देखिए, कोकोनट ऑयल है, मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे एकदम स्लो फ्लेम पे मैं गैस पे चढ़ा दूंगी। ये देखिए, मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है और यह गर्म भी होना स्टार्ट हो गया है। अभी से हम एकदम स्लो फ्लेम पे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, ऑयल रेडी है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, मैंने गैस बंद कर दिया है। देखिए, हमारा ऑयल रेडी है। अब मैं इसे ग्लास कंटेनर में भर लूंगी, किसी भी कांच की शीशी में। ये मेरी शीशी गंदी नहीं है, मैंने इसमें पहले जो कलौंजी ऑयल बनाया था वो इसमें डाला हुआ था, तो अब वो ख़त्म हो गया, तो मैं इसी में ये ऑयल डाल लूँगी। मैंने इसमें डाल दिया ये देखिए, इसका कलर कितना ग्रीन सा नेचुरल कलर आ रहा है, एकदम मार्केट जैसा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 विटामिन ई की कैप्सूल। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो वैसे भी विटामिन ई काफ़ी मात्रा में होता है करी लीफ में। और इसमें जो भी तीनों चीज़ें हमने डाली है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है हेयर ग्रोथ के लिए। तो आप ज़रूर इस ऑयल को ट्राई करें, और इसे हेयर ग्रोथ होगा और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी हटती है इससे। और जिनके बाल रफ़ जैसे हैं तो वो काफ़ी सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे, और लेंथ तो बहुत अच्छे से बढ़ेगी, क्योंकि जो भी तीनों हमने इसमें पत्तियाँ यूज़ की है वो तीनों ही हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।